हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर कोडिंग बडीज चैनल। मैं कृतिका कुमारी, आज मैं आपके लिए जावा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे। चलिए मैं चलती हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, जहाँ पे मैं अपना कोड रन करूँगी। यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट डॉट जावा नाम की फाइल जो है वो बना रखी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक क्लास को बैंक अकाउंट नाम की क्लास क्रिएट करूँगी। ठीक है, तो मैंने बनाई क्लास बैंक अकाउंट इसमें मैं क्या करूँगी, वेरिएबल बनाऊँगी। मैंने अकाउंट नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैं स्ट्रिंग बनाऊँगी, स्ट्रिंग में नेम दिया मैंने, नेम और टाइप। अब मैं फ्लोट में अमाउंट लूंगी, अमाउंट। ठीक है, अब मैं एक वॉइड वॉइड डिटेल नाम का एक मेथड बनाऊंगी। ठीक है, डिटेल्स नाम का मेथड, जिसमें मैं क्या पास करवाऊंगी, अकाउंट नंबर, सॉरी अकाउंट इंट में ए ले ले। ठीक है, स्ट्रिंग में नेम, स्ट्रिंग में टाइप, टाइप और फ्लोट में नहीं, मैं इसको ले लेती हूँ बी, इसको ले लेती हूँ सी और इसको ले लेती हूँ डी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अकाउंट नंबर इक्वल टू ए कर दूंगी, नेम इक्वल टू बी, टाइप इक्वल टू सी और अमाउंट अमाउंट इक्वल टू डी। ठीक है, अब मैं void show नाम का मेथड बनाऊंगी, सॉरी show, जिसमें मैं प्रिंट करवाऊंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इसमें मैं अकाउंट नंबर पास करवाऊंगी, कंकैटिनेट करूंगी और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूंगी मैं। ठीक है, बीच में स्पेस होना चाहिए। अकाउंट नंबर, नेम, नेम कंकैटिनेट करूंगी प्लस टाइप प्लस स्पेस थोड़ा, फिर प्लस, फिर अमाउंट, स्पेस कर दूंगी थोड़ा सा। ठीक है, बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं एक और मेथड्स बनाऊंगी void deposit नाम का, डिपॉजिट, जिसमें मैं क्या करूंगी, फ्लोट डी को पास करवाऊंगी, फ्लोट नहीं, फ्लोट। ओके,
ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगी, अमाउंट में ऐड करवाऊंगी, ऐड करवाऊंगी डी को, ठीक है, अमाउंट में ऐड करवाऊंगी उसको डी के इक्वल, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा दूंगी जो भी मेरा ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर डिपॉजिट अमाउंट डी, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उसमें इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, मैंने जो भी डी की वैल्यू दी होगी उसको इंक्रीमेंट कर देगा अमाउंट में और वो मुझे प्रिंट करवा देगा, ठीक है, ये मेथड। अब मैं क्या करूँगी, सॉरी यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया, हाँ, अब मैं void withdraw नाम का मेथड बनाऊंगी, withdraw इसमें मैं float d को पास करवाऊंगी, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक कंडीशन दूंगी, If amount is lesser than D, then ये मेरे को क्या प्रिंट कर दे, मेरे को प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मुझे प्रिंट कर दे इनसफिशियंट बैलेंस, सफिशियंट बैलेंस, बैलेंस, ठीक है, नहीं तो क्या करे, एल्स अमाउंट में डिक्रीज कर दे, डिक्रीमेंट कर दे जो मैंने डी की वैल्यू दी होगी, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन, और मुझे ये प्रिंट कर दे क्या कि विड्रॉ अमाउंट प्लस डी, ठीक है, अब मैं void get amount balance नाम का मेथड बनाऊंगी, ठीक है, सॉरी, हाँ, इसमें क्या करूंगी, सिस्टम प्रिंट करवाऊंगी अमाउंट को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, योर बैलेंस इज अमाउंट,
जो अमाउंट में बैलेंस होगा उसको यहाँ पे वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे जो मेथड्स थे मैंने बना लिए। ठीक है, अब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक क्लास बनाऊंगी, क्लास बैंक नाम की। उसमें मैं पब्लिक वॉइड मेन, सॉरी ये क्या, हाँ नाउ करेक्ट। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। ठीक है, तो मैं बनाऊँगी बैंक अकाउंट एन इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। अब मैं जो हमने मेथड बनाया, जो हमने फंक्शन बनाए हैं, उनको मैं वन बाय वन कॉल करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एन डॉट डिटेल फंक्शन को कॉल करती हूँ, डिटेल। अब मैं इसमें पास करवाऊँगी डिटेल। ठीक है, पहला मैं अकाउंट नंबर है ए हमारा, तो मैं अकाउंट नंबर ऐसे दे दूंगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे नेम है, मैं अपना नेम दे देती हूँ कृतिका, कृतिका। ओके, ये हमें डबल क्लॉट्स में करना पड़ेगा इसको, नेम को। यहाँ पे हम दे देंगे टाइप, कौन कैसा अकाउंट है, मतलब कि जो आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। ठीक है, और डी में हम अमाउंट को ऐड कर देंगे, 1000 मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगी, दूसरे फंक्शन को कॉल करूँगी, एन डॉट सो फंक्शन। सो फंक्शन को कॉल किया मैंने, एन डॉट डिपॉजिट। मैंने इसमें डिपॉजिट किया 40,000। ठीक है, 40,000 मैंने डिपॉजिट किए, एन डॉट विड्रॉ, एन डॉट विड्रॉ। कितना विड्रॉ करना चाहती हूँ मैं, मैं करना चाहती हूँ 10,000। ओके, अब मैं अपना बैलेंस चाहूँगी चेक करना, तो मैं क्या करूँगी, एन डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो मैं डिपॉजिट करूँ तो मुझे अपना दिखाए कि मेरा बैलेंस कितना है। ठीक है, और जब मैं विड्रॉ करूँ फिर मुझे मेरा बैलेंस पता है। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, क्या हमारा कोड रन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ अब आप देख सकते हो जो है रन हो चुका है हमारा कोड। यहाँ पे दिखा रहा है जो मैंने अकाउंट नंबर दिया था, अपना नेम, सेविंग, फिर मैंने 1000। ठीक है, योर डिपॉजिट अमाउंट इज 40,000 एंड योर बैलेंस इज, डिपॉजिट करने के बाद 41,000 हो गया, मैंने 10,000 निकाले तो 31,000 हो गया। ओके, दैट मीन्स करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अगर इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये कोड को है वो मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जाने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।